स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिवस को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? ए 24 मई, बी 25 मई, सी 26 मई, डी 27 मई। आंसर बी 25 मई। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया। यह उद्घोषणा न्यूयॉर्क में महासभा की 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान हुई। 25 मई 2024 को पेरिस में 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है, जो खेलों के माध्यम से राष्ट्रों के बीच एकता और सहयोग का प्रतीक है। अगला प्रश्न, कांस फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहां आयोजित होता है? ए कांस, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी लंदन। आंसर ए कांस। एक्सप्लेनेशन, हर बार की तरह इस साल भी फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में 77वां कांस फिल्म महोत्सव की शुरुआत 14 मई से हो गया है। ये फेस्टिवल 25 मई 2024 तक चलने वाला है, जिसमें दुनिया भर की फेमस हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। इस फेस्टिवल में दुनिया भर की शानदार फीचर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होगी। बेस्ट फिल्म को पाम दियोर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये अवार्ड 18 कैरेट गोल्ड और एमरल्ड कट डायमंड से तैयार होता है और इसकी कीमत $27,000 यानी 18 लाख रुपए होती है। इस साल ऐश्वर्या राय बच्चन के भी फिल्म महोत्सव में शामिल होने की संभावना है। वहीं एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से लेकर अदिति राव हैदरी भी इस इवेंट में शामिल होंगी। अगला प्रश्न, किस संगठन ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को शामिल किया? ए विश्व बैंक, बी यूनिसेफ, सी यूनेस्को, डी कौन। आंसर सी यूनेस्को। एक्सप्लेनेशन, भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र के 20 वस्तुओं में शामिल किया गया है। ये समावेशन भारत के लिए एक गौरव का क्षण है, जिससे देश की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि होती है। यूनेस्को द्वारा यह मान्यता विश्व स्तर पर विविध कथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देती है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल VSHQ का परीक्षण किया? ए पटना, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी आगरा। आंसर डी आगरा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयरड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल VSHQ का परीक्षण किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ये नवीन तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। इसे 200 घायलों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ए पी शामनिखिल, बी वैशाली रमेश बाबू, सी गुकेश डी, डी विदित गुजराती। आंसर ए पी शामनिखिल। एक्सप्लेनेशन, पी शामनिखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉम पूरा किया। इसके साथ ही उनका 12 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। 31 वर्षीय शामनिखिल ने साल 2012 में 2500 ELO रेटिंग अंक हासिल किए थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर मानदंड के लिए जरूरी रेटिंग के लिए उन्हें 12 साल तक इंतजार करना पड़ा।